आप देख रहे हैं पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। वैश्विक महामारी के इस दौर में चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के अंतर्गत शराब से बैन हटाना उचित है या अनुचित, यह जानने की कोशिश की है हमने देश की आधी आबादी से। देखिए शराब से बैन हटाए जाने पर क्या है महिलाओं की प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रकट जरूर करें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद। नमस्कार, मैं रूमा देवी सरकार से अनुरोध करती हूं कि आज लॉकडाउन के साथ शराब की दुकानें खोलने का जो निर्णय लिया है ये हम महिलाओं के लिए चिंताजनक है। इससे घरेलू हिंसा ज़्यादा बढ़ेगी। जिनके पास ठीक से घर चलाने के लिए पैसे नहीं है वो जाकर शराब पियेंगे और फिर घर में जाकर बीवी बच्चों वो माँ बाप के साथ में लड़ाई झगड़ा वो मारपीट करेंगे। एक आम महिला पर जो गुजरेगी क्या उसकी चिंता सरकार करेगी? क्या नाम है आपका? विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, जी ये एरिया कौन सा है? रामनगर है। अच्छा रामनगर है, ये बताइए आपके हस्बैंड शराब पीते हैं? पीते पहले पर अब बंद है तो बंद है। हाँ तो मिली नहीं तो पहले बंद है तो बंद ही है, मिलेगी कहाँ से? हाँ। अच्छा आज से शराब के ठेके चालू हुए हैं, उसमें आपका क्या विचार है ये बताइए? बंद है जाना चाहिए। अब जैसे कि आज से शराब मिलना शुरू हो गई, आज शराब ही शराब पियेंगे, घर में भी लड़ेंगे और वो जाके चौराहों पे भी लड़ेंगे, पुलिस को परेशानी होगी, उसमें आपका क्या विचार है ये बताइए? शराब मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बंद है जानी चाहिए। बंद हो जानी चाहिए। और अगर बंद ना हुई तो फिर क्या करना होगा? फिर वही होगी तो जो पहले होत रही है, तो लड़ाई लड़ाई होती है, घर घर में लड़ाई होती रहेगी और शराब के ठेके, शराब के चक्कर में आदमी पागल हो जाता है तो उससे पुलिस भी परेशान रहेगी और घर की महिलाएं भी परेशान रहेंगी। आदमी को रोटी ना मिले एकदम शराब पी। क्या नाम है आपका? सोमवती। सोमवती जी, आपके पति का क्या नाम है? इतवारी। शराबों में मर गए। शराब पीते हैं वो? शराबों में खत्म हो गए। शराब में खत्म हुए। हाँ। जैसे कि आज से सरकार ने शराब के ठेके चालू किए हैं लॉकडाउन में। हाँ। उसमें आपका क्या विचार है? बंद है आना चाहिए। शराब बंद हो जानी चाहिए। बालक सीखता है यहाँ में तो। अच्छा, आपके पति शराब में ही खत्म हुए? शराब के नशे में शराब पिया करते थे वो? खूब शराब पीते, इतना कमाते दोनों शराब में धरते है। तो तुम्हें तो परेशानी बहुत हुआ करती होगी? अब परेशानी ऐसी परेशानी वैसे ही मारपीट होती है और खत्म है तो परेशानी है, वैसे ही जिंदे तो परेशानी है। सोशल वर्कर, मैं अपने देशवासियों से ये कहना चाहती हूँ सरकार ने ये शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है लॉकडाउन में और सोशल डिस्टेंसिंग इससे डिस्टर्ब होगी। शराब की दुकानें खुल चुकी हैं और इतनी लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ रही? और ये जब दारू पियेंगे तो घर में घरेलू हिंसाएं होंगी और जब घरेलू हिंसाएं होंगी तो वाद विवाद बढ़ेगा, सड़कों में आपस में भी वाद विवाद बढ़ेगा। ये सरकार का फैसला गलत है शराब की दुकानें खोलने का। हम इतनी भयावह महामारी से गुजर रहे हैं, लोग ये कोरोना वायरस चल रहा है और सब सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, सब घरों में रहने सुरक्षित रहें ये कहा जा रहा है और इसके बीच में ये शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, ये सब क्या है? अगर इसी तरह से शराब की दुकानें खुलेंगी तो ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा ना लॉकडाउन का कोई मतलब रहेगा और शराब पियेंगे झगड़ा होगा तो हमारी पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वो अभी भी कर रहे हैं और बाद में और ज़्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ शराब की दुकानें तत्काल बंद कराने के निर्देश जारी किए जाएं और सभी को घरों में रखा जाए, लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया जाए। जब घर में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे। सो